नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने टाटा प्ले बिंच प्लस सेट टॉप बॉक्स के रिमोट को बॉक्स के साथ पेयर कर सकते हो। क्योंकि ये जो रिमोट आते हैं ना टाटा प्ले बिंच प्लस बॉक्स के, ये आपके आते हैं ब्लूटूथ वाले, यानी कि इनकी कनेक्टिविटी जो होती है वो ब्लूटूथ से जुड़ी हुई होती है। तो ये कभी कभी अनपेयर भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप रिमोट को चलाएंगे तो आपका बॉक्स काम नहीं करेगा। तो उसके दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है कि आपके रिमोट की जो बैटरीज है वो काफी वीक हो चुकी हैं, जिसको आपको बदलने की जरूरत है। या फिर दूसरा रीजन ये होता है कि जो रिमोट है आपका वो किसी कारण से काफी समय तक इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो आपके बॉक्स के साथ ऑटोमेटिकली अनपेयर हो गया है। तो हमें करना ये होता है कि वापस से हमें बॉक्स के साथ उसे पेयर करना होता है। अब पेयर करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, उसके लिए वीडियो में बने रहिए। चैनल पर ही बनाए हैं अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। यहाँ पर बात हो चुकी है रिमोट को पेयर करने की, तो सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि रिमोट को आप पेयर कर लीजिए। तो पेयर करने के लिए आप रिमोट से कोई भी बटन प्रेस कीजिए, जिससे उसको अंदाजा हो जाए कि रिमोट जो है वो आसपास है। अब सिंपल उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि रिमोट को आप कैसे पेयर कर सकते हैं। तो टाटा प्ले बिंच प्लस सेट टॉप बॉक्स के साथ रिमोट को पेयर करने के लिए आपको रिमोट से सेलेक्ट बटन और रिमोट से सेवन बटन को एक साथ प्रेस करके रखना होगा, और कंटिन्यूसली आप प्रेस करके रखिए। अब प्ले प्रेस करने के बाद जो आपका रिमोट है वो ब्लिंक करना शुरू करेगा, और ब्लिंक करने के साथ ही रिमोट जो है वो पेयर होना शुरू हो जाएगा। तो सामने देख सकते हो कि रिमोट जो है वो हमारा पेयर होना शुरू हो चुका है, और यहाँ पर रिमोट जो है वो सक्सेसफुली हमारा पेयर हो गया। तो कुछ इसी स्टेप्स के साथ जो है हम अपने टाटा प्ले बिंच प्लस के रिमोट को पेयर करेंगे।